दीदी प्लीज उठिए। देखिए वसुंधरा जी, प्लीज रानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उससे जो गलती होगी उसकी उसे भूल जाइए प्लीज। मॉम मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मगर इस बात पे रिश्ता तो नहीं तोड़िए। हम प्रीति से वादा कर चुके हैं और फिर प्रीति की पूरी फैमिली आपसे माफी भी तो मांग रही है। प्लीज माफ कर दीजिए। जिसे माफी मांगनी चाहिए वो तो माफी मांग ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे माफ कर दूं? जिसकी गलती हो उसका सर नीचे झुकना चाहिए। वसुंधरा जी, अगर मेरी गलती होती तो मैं खुद आपके पैरों में पड़कर माफी मांगती आपसे। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हारे प्रवचन सुनने का हमें कोई शौक नहीं है। हमने जब अपनी बहू को बता दिया कि उसे क्या करना चाहिए, तो तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं प्रीति की बहन हूं और उस ड्रेस का इसके लिए क्या मतलब है मैं अच्छे से जानती हूँ। और इसमें ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो मेरी पूरी फैमिली को आपसे माफी मांगनी पड़ रही है? हमें नहीं लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या होता है। आपको क्या लगता है ये बहुत छोटी सी बात है? हमारे नाम के साथ नाम सुनने तक के लिए लोग तरस जाते हैं और आपकी घर की बेटी को इतना अहंकार है कि वो हमसे माफी तक नहीं मांग सकती। वसुंधरा जी, आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन अगर रानी की इसमें कोई गलती होती तो आपसे माफी जरूर मांगती। क्या है कि इसमें ईगो जैसी कोई चीज नहीं है। रानी ने ना तो आपके साथ कोई बदतमीजी की है और ना ही आपका अपमान किया। वो तो बस अपनी बहन का दिल रखने के लिए आपसे विनती कर रही थी।